जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम। अगले साल DRDO कंडक्ट करेगी अपने AIP सिस्टम के अंडर वाटर ट्रायल्स। US आर्मी विकसित कर रही है एक खास तरह का लेजर डिफेंस सिस्टम। भारत में सप्लाई किए जाने वाले पाकिस्तान ओरिजिन के IEDs में इस्तेमाल हो रहा है मिलिट्री ग्रेड का एक्सप्लोजिव। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से रशियन पत्रकार को बाहर निकालने वाली हरकत पर रशिया ने पाकिस्तान से मांगा जवाब। इंडियन आर्मी ने स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम का पेटेंट हासिल कर लिया है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम है, तो इसे आर्मी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। और इसकी खास बात यह है कि अगर ड्राइव करते समय ड्राइवर को नींद आ रही है तो ये सिस्टम ड्राइवर को तुरंत ही अलर्ट कर देता है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया गया कि इस साल का जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है तो वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सेलिब्रेट किया जाएगा। एयरफोर्स डे की जो सेरेमोनियल परेड है वो एयरफोर्स स्टेशन बमरोली में आयोजित की जाएगी, और जबकि एयर डिस्प्ले प्रयागराज में ऑर्डनेंस डिपो फोर्ट के पास संगम क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। और एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन की शुरुआत करीब एक सप्ताह पहले 30 सितंबर 2023 से भोपाल में भोस्ता लेक के पास एयर डिस्प्ले के साथ शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि पिछले साल यानी कि 2022 में एयरफोर्स डे परेड कहां पर आयोजित की गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक DRDO अपने स्वदेशी फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम के पहले अंडर वाटर ट्रायल्स को कंडक्ट करने की तैयारी कर रही है। और DRDO के स्वदेशी AIP सिस्टम के जो पहले अंडर वाटर ट्रायल्स हैं वो अगले साल कंडक्ट किए जा सकते हैं। और रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि DRDO अपने AIP सिस्टम के अंडर वाटर ट्रायल्स अगले साल कंडक्ट करेगी, जबकि इसकी सोर बेस्ड प्रोटोटाइप टेस्टिंग 2021 में पूरी हो चुकी है। और एक बार ये होम ग्रोन AIP सिस्टम पूरी तरह से विकसित होने के बाद फिर भारत की उन 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में भी फिट किया जाएगा जो कि भारत फ्रांस से खरीदने की प्रोसेस में है। और इन नई सबमरीन्स के लिए अपने AIP सिस्टम को तैयार करने के लिए DRDO को पर्याप्त समय मिल जाएगा, क्योंकि सोर्सेज का ये कहना है कि अगर 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की जो डील है वो अगर इस साल के अंत तक औपचारिक रूप से साइन हो जाती है तो करीब 6 से 7 वर्षों का समय लगेगा उन सबमरीन्स को इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन होने में। बाकी एग्रीमेंट के मुताबिक फ्रांस के नेवल ग्रुप ही सबमरीन्स में इंटीग्रेट करने के लिए AIP डिजाइन को सर्टिफाई करेगी। बाकी DRDO ने जिस AIP सिस्टम को विकसित किया है तो वह एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसके रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट पानी को दूषित नहीं करेगा। अपनी लेजर वेपन टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के उद्देश्य की तरफ US आर्मी ने लॉकहीड मार्टिन को एक ऐसी हाई एनर्जी लेजर प्रोटोटाइप को विकसित करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो कि US मिलिट्री की स्टेशनरी और सेमी फिक्स लोकेशंस को एरियल थ्रेट से सुरक्षा प्रदान करेंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है लगभग 220.8 मिलियन US डॉलर्स, और जिसके तहत इनडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी हाई एनर्जी लेजर प्रोटोटाइप वेपन सिस्टम को डेवलप, इंटीग्रेट, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और डिलीवर किया जाएगा। और वैसे आपको ये भी बता दें कि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को विकसित करने के लिए हर साल लगभग 1 बिलियन US डॉलर्स के आसपास इन्वेस्ट कर रहा है। और बाकी क्या आप जानते हैं कि भी वर्तमान समय में ऐसे कई सारे वेपन्स विकसित हो चुके हैं जो एक समय तक केवल साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब आज के समय में वो रियलिटी बन चुके हैं। और इस टॉपिक पर एक वीडियो आज हमने अपने डिफेंस ज्ञान सीरीज पर अपलोड करी है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग वेपन सिस्टम कौन सा लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के गुआम में मिलिट्री ग्रेड के एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करने और उसके डिस्पोजल स्किल्स के लिए 2 सप्ताह का जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंडियन आर्मी पर्सनल के साथ भारत की एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने भी US एक्सप्लोजिव्स ऑर्डनेंस डिस्पोजल मोबाइल यूनिट के साथ बॉम्ब हैंडलिंग और डिस्पोजल स्किल्स की ट्रेनिंग कंडक्ट करी थी, और जिसमें एक्सप्लोजिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, सेंसिटिव साइट एक्सप्लॉयटेशन, डेटोनेटर एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन, फील्ड लेवल एविडेंस कलेक्शन और एनालिसिस, तो इस तरह के अलग अलग पहलुओं में ट्रेनिंग की गई थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस जॉइंट प्रोग्राम ने न केवल एनएसजी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाया बल्कि ट्रेन एक्सपर्ट्स और इंस्ट्रक्टर्स का जो समूह है वो बाकी को भी IED चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार कर सकता है। और ये सारी तैयारी अपकमिंग G20 कॉन्फ्रेंस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सेटअप को सुनिश्चित करेगा। और केवल G20 ही नहीं बल्कि अब भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे क्षेत्रों में जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन है तो उनके द्वारा मिलिट्री ग्रेड के एक्सप्लोजिव्स की जो स्मगलिंग है वो काफी ज्यादा देखी गई है। और सोर्सेज का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में अब जो IEDs यूज हो रहे हैं तो वो मेड इन इंडिया नहीं है बल्कि वो ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से भारत में भेजे जा रहे हैं। और अधिकतर पाकिस्तान ओरिजिन के जो IEDs हैं वो हाई ग्रेड के एक्सप्लोजिव्स जैसे कि RDX का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने एक रिटर्न रिप्लाई में आज लोकसभा को सूचित किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान
भारत के डिफेंस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है उसने पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपीज के फिगर को क्रॉस किया है। और डिफेंस इक्विपमेंट के स्वदेशी डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई सारे इनिशिएटिव्स, कई सारी पॉलिसीज भी शुरू की गई हैं। आज शुक्रवार को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रशिया अपनी अलाई बेलारूस को किसी भी संभावित हमलों से बचाने के लिए अपने पास मौजूद किसी भी साधन का इस्तेमाल करेगा और बेलारूस पर किसी भी तरह का हमला रशिया पर हमले की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। और रशियन राष्ट्रपति की ये चेतावनी खास करके पोलैंड के लिए थी ताकि वो बेलारूस वाले मामले पर किसी भी तरह की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को ना रखे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में रशिया के पत्रकारों को यूक्रेन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जॉइंट प्रेसर को कवर करने से रोका गया था, तो अब इस हरकत पर गुरुवार को रशिया ने पाकिस्तान से इस मामले पर एक्सप्लेनेशन मांगा है। और इस्लामाबाद में रशियन एम्बेसी की तरफ से ट्वीट करते हुए ये लिखा गया कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के पत्रकारों के अधिकारों का उल्लंघन करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और आपको बता दें कि गुरुवार को इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यूक्रेन की तरफ से अनुरोध किया गया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए किसी भी रशियन जर्नलिस्ट को मंजूरी ना दी जाए। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज शुक्रवार को यूक्रेन के ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि रशिया के क्रूज मिसाइल्स ने ओडिसा रीजन में उनके फार्म स्टोरेज बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2008 में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद सलीम शाह ने इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर के मेंधार सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिस्ट वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।